हेलो, दिस इज खुशखबरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा खुशी है। कंपटीशन टोटल इनकम कंप्लीट होना अभी मतलब अंतिम सांस ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन होने के बाद हमारा कंपटीशन इनकम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब तुम्हारे हाथ में, मतलब हाथ में मतलब एक क्लिक में है, फिंगरप्रिंट में 14 मार्क है। वो तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ एचके बेहरा, इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं। मिस्टर एक से इंडिविजुअल सेट ऑफ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमी जोन इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 को क्या किया है? वॉशिंग मशीन का सेटअप किया, कहाँ है? स्पेशल इकोनॉमी जोन में किया है। कंडीशन क्लियर? क्लियर। फुलफिल ऑन कंडीशन सेक्शन 10A। उसके बाद क्या काम किया है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2019-20 ही हैज ऑल्सो सेटअप ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 35A(18) कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंट 75 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख, ठीक है। यह क्या लिखा है? इट्स फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ द सेक्शन 35A(18) कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस 75 लाख, उसमें इन 75 लाख अंदर 10 लाख क्या है? लैंड है। क्लियर? क्लियर। चलो, द वेयर हाउस बिकम ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इफेक्ट कब हुआ? 1 अप्रैल से। क्लियर। चलो, उसके बाद एक्सपेंडिचर 75 लाख वॉज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ ऑन दैट। ये तो यहाँ क्या 75 लाख कैपिटलाइज कर दिया, मतलब एक्चुअली हमको 10 लाख निकालना था, 65 लाख कैपिटलाइज करना था, हम किए कब 75 लाख, उसको आप जाके आगे रिसोल्व करेंगे। उसके बाद देखो, रिलेवेंट डिटेल ऑफ फाइनेंशियल सर्वे 2021 क्या लिखा? प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ 40 लाख, एक्सपोर्ट सेल कितना 80 लाख, डोमेस्टिक सेल 20 लाख, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन 35 1 करोड़ 5 लाख। क्लियर। चलो, हमारा काम क्या है? इनकम टैक्स निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी इसको साइट, चलो अभी आखिर क्वेश्चन में कर रहे हैं। बहुत खुशी है मेरे जी, आज कंपटीशन इनकम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जो भी कंटिन्यू क्लास देखता है मेरे, वो एक चैनल है, अरे मेरे और एक स्टूडेंट है, उसको नाम यश है, और बहुत प्यारा बच्चा है, और मेरे सारे वीडियो भी देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छे। वो तो मतलब आप मेरा पहला स्टूडेंट है, मतलब अच्छा स्टूडेंट है, कमेंट करे। बहुत स्टूडेंट तो है, देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, पर तुम अच्छा स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदार मेरे ऊपर है, मैं सारा कुछ तुमको पास करके ही छोड़ूंगा। इसी मेरे विद फ्री में 1 रुपया ही चार्ज नहीं करूंगा, जब तक आप पास नहीं करते ग्रुप पर सारा करूंगा, सारा, ये मेरा जिम्मेदारी है। क्लियर। चलिए, और कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 अंडर द रेगुलर प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन तो होता है रेगुलर प्रोविजन। एक क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है और इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आधा आधा करके आएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको चूज क्या करने के लिए मैं नहीं करता चूज। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट SEZ कितना 40 लाख गिवन है। अंडर सेक्शन क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A(1)। अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ कितना पेज में हम करते हैं। ये एक पेज है, पूरा एक पेज, यह नोट, ये नोट बाद में दिया है क्वेश्चन में, मैं इसी अभी किया हूँ। यानी क्वेश्चन तुम करोगे ना, मतलब तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए किसको कब करना है, किसको नहीं करना है, किसको फास्ट करना है, किसको सेकंड करना है, मैं इसको पहले करती हूँ, ठीक। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट इन SEZ, प्रॉफिट ऑफ द यूनिट SEZ, एक्सपोर्ट टर्नओवर इन द यूनिट SEZ, टोटल टर्नओवर ऑफ द यूनिट SEZ। ये सब रूल्स हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, सब कुछ, मेरे भाई बहन सब। क्या लिखा है? प्रॉफिट कितना है 40 लाख गिवन है, एक्सपोर्ट कितना हुआ था 80 लाख, और ये क्या हुआ था, टोटल टर्नओवर कितना 1 लाख हुआ था। ये हुआ थोड़ी मैं चेक, ये जो लिखा है टोटल टर्नओवर ऑफ द यूनिट 1 करोड़, ये कितना आया? 80 लाख × 20 लाख गिवन था ना, 80 लाख क्या था एक्सपोर्ट सेल और 20 लाख डोमेस्टिक सेल, ये दोनों को मिला के क्या लेगा टोटल टर्नओवर, मतलब सेल 1 लाख है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम कितना 32 लाख मिल गया, हम उसको ऊपर जाएंगे, उसको पहले लिखेंगे ना, माइनस करो 32 लाख, यह निकला 8 लाख। क्या है? बिजनेस इनकम SEZ यूनिट चार्जेबल टू टैक्स। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कितना गिवन है? 1 करोड़ 5 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(D)(2),
यहाँ 65 लाख कैसे आया देखेंगे। चलिए डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 100, डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन सॉरी ये जो डिस्टर्ब है ना साइड में काम चल रहा है तो मैं इसी वजह थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तुमको साउंड में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। चलिए डिडक्शन 100% मिलेगा ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 3184 असेसमेंट ईयर 21-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस व्हिच कमेंस ऑपरेशन ऑनर आफ्टर 1 अप्रैल 2009। क्लियर हो गया, अभी चलते हो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 38 वुड बी हाउएवर नॉट बी अवेलेबल ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड में डिडक्शन 35AD नहीं मिलेगा, ठीक है। किस में मिलेगा चलते देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7 लाख माइनस 10 लाख कर दो, किसको आया 65 लाख से हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा, ठीक है। ये जो 10 लाख है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लिया, चलो 65 लाख लिखो यहाँ। 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख, 65 लाख कितना हुआ 1 करोड़ 5 माइनस 65 लाख कितना हुआ 40 लाख। यह बिजनेस इनकम ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चार्जेबल टू टैक्स 40 लाख, टोटल इनकम कितना आया 8 लाख, 40 लाख 48 लाख हम अभी क्या करेंगे टैक्स देंगे। कंपटीशन टैक्स लाइबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजन 2:1, 2 लाख से नील कुछ भी नहीं है, 2,05,000 ऊपर से क्या है 12,500, 5 लाख ऊपर से 20% क्या है 1,30,000, उसको जो ये जो 48 लाख से सारे माइनस कर करके 38 लाख आया, उसके 30% 11,40,000 हो गया, ये सब मिला के हुआ 12,52,500, उसके 4% दो क्या हेल्थ एजुकेशन ये है 50,100, ये होगा 13,02,060, 13,02,600 हुआ है, ठीक है। ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ, उसके बाद जाएंगे क्या उसके बाद ये 3 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये देखो कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर मिस्टर एक्स फॉर द लेवी ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो है ना अंडर सेक्शन 115 JC का है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। चलो टोटल इनकम कंप्यूटेड एबव एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कितना डायरेक्ट हमारे टोटल इनकम कितना निकला था 48 लाख। चलो ये डिडक्शन हमारे निकाले थे कितने डिडक्शन है उसको इसमें डिडक्शन ऐड करेंगे माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे माइनस नहीं करेंगे, डिडक्शन ऐड करेंगे माइनस नहीं करेंगे, डिडक्शन ऐड करेंगे माइनस करेंगे। मैं तुमको 3-4 बार बोल रहा हूँ ना, तुमको याद हो जाए दिमाग से भाई, इसी वजह से 80 लाख। फिर डिडक्शन ऐड करेंगे कितना 65 लाख, इसका 10% डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 बिल्डिंग का 10%, इसको 10% रूल से 10%, ठीक है, इसको 6,50,000 माइनस करेंगे ये होगा 50,50,000, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम हो गया कितना 1,30,50,000। चलिए अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स टैक्स ऑन 84.5%, ये क्या है ये जो 115 JC में 18.5% टैक्स लगेगा, ये 25 लाख देखियो 1 करोड़ 1 करोड़ 38 लाख 50,000 इंटू 18.5 हो गए 25,62,250, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा सरचार्ज लगेगा 50%, क्यों ना 1 करोड़ से ज़्यादा है इसी वजह से, यही सरचार्ज कितना लगेगा 15% हो गया 384,338, ये हो गया दोनों दोनों को मिला दो 29,46,588, उसके बाद 4%, उसके बाद सारा मिलके ये होगा 451, राउंड ऑफ करेंगे 30,64,450, ये खत्म हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे और एक ये आखिरी है, चलो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन BAC मतलब 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। टोटल इनकम हमारे कितना है 48 लाख, 8 करोड़ डिडक्शन, आर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 नॉट अलाउबल, डिडक्शन अरे नॉट अलाउबल 32 लाख, डिडक्शन अलाउबल होगा नहीं ऐड होगा 32 लाख 80 हो गया। उसके बाद आर डिडक्शन 35 65, ये जितना है उतना सारे लिख दो, ये 10% रूल से हो गया, ये किया 58,50,000। टोटल इनकम कितना वही 1,38,50,000, यहाँ में कितना होगा यहाँ में होगा रूल्स क्या स्लैब रूल्स होगा। कंपटीशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टैबलेट एज पर द सेक्शन 15 BAC
टैक्स ऑन 1,30,000 50,000 2,50,000 2,55% 12% 2,55% 12,500 एंड 5,000 5,20% 1,00,000 हो गया। ये सारा को ये जो निकले 1,38,000 50,000 1,38,00,000 50,000 में सारे निकाल के मेस को ये दिया, ये हुआ 1,00,000 कितना 1,28,000 कितना हुआ 1,28,000 50,000 28,50,000 के 30% हुआ 38,58,000 हुआ सारा मिला को 39,69,500 8,50,000 इतना उसका हेल्थ इतना। ये क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंस है, मतलब आंसर और क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंस है उसको मेरे में। यहाँ में कितना है देखो, यहाँ में है 46,55,430 मेरा है 47,55,130 पर डिफरेंस है, बट ये मुझको लगता है सही, ये मुझको लगता है सही है, इसमें कोई टेंशन बात नहीं है ठीक है। आई थिंक ये सारा कुछ खत्म हो गया, मतलब हमारा कंपटीशन में टोटल इनकम कंप्लीट हुआ है। मेरा भी जो भी कोई भी गलती होगा, मतलब आप जानोगे मेरे इम्प्रूवमेंट करूँगा, और आप मेरे गलती होते कमेंट में बता सकते हो कुछ भी गलती हुआ है, क्या इंसान है, इंसान में ही गलती होता है, इंसान ही दुनिया बदलते हैं ठीक है। जो गलती नहीं करता है वो कुछ नहीं करता है, जो गलती करता है वो दुनिया बदलते ही बदलते हैं। मतलब पहला थिंग एजुकेशन करोगे तो सीखोगे, फेल हो पास हो ठीक है। चलिए रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।